श्रद्धा के मोबाइल के लिए सर्च ऑपरेशन बाकायदा पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। ये शक है पुलिस को कि आरोपी आफताब की तरफ से श्रद्धा की हत्या के बाद जो मोबाइल है श्रद्धा का वो भायंदर की खाड़ी में फेंक दिया गया था, और यही वजह है कि लगातार उसे ढूंढने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बेहद अहम सुराग श्रद्धा के मोबाइल से मिल सकते हैं अगर वो मोबाइल बरामद हो जाए। अब ये जो अगर लगा हुआ है ना, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है, और ऐसे में मोबाइल अगर बरामद हो भी जाए तो वो कितना सुरक्षित है, उसका डेटा जो है क्या वो बरामद किया जा पाएगा या फिर नहीं, ये तमाम बड़े बड़े सवाल है। मेरे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट जरा आप देखिए। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस और पालघर पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे किया जा सके। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के खाड़ी के जो भायंदर खाड़ी है वहां पर मौजूद है, और जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये जो रेलवे ट्रैक आप सामने देख रहे हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय आरोपी आफताब ने श्रद्धा का फ़ोन इसी खाड़ी में फेंक दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस फोन को ढूंढना। यही वजह है कि अब पालघर पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो भी अब यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर मैं अपने कैमरामैन आतिश से बोलूँ, आप साफ तौर पर जो जूम करके आपको दिखा सके किस तरीके से जो बोट है उस बोट में पालघर पुलिस भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस खाड़ी में अगर श्रद्धा का फोन आफताब आरोपी ने फेंका भी है तो उसे जल्द से जल्द खोजा जा सके ताकि जो सबूत है, जो अहम सबूत है, उसे पुलिस निकाल सके। तो एक तरफ तो श्रद्धा के मोबाइल को ढूंढने में लगातार पुलिस लगी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा ने इसी मोबाइल से जो चैट किया अपने किसी करीबी को वो भी अब वायरल हो रही है। दिसंबर 2020 की एक चैट है जिसमें श्रद्धा खुद ये बता रही है कि किस तरह से उसे अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा, और दिसंबर 2020 की इस चैट में ये भी पता चल रहा है कि किसी करीबी को ही उसने अपने हालचाल के बारे में बताया था, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ा, इलाज उसे करवाना पड़ा। और ये सारी बातें जो जुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं आफताब की तरफ की श्रद्धा की तबीयत खराब होने के पीछे या उसकी जो स्थिति थी उसके पीछे हाथ आफताब का ही है। ये वायरल हो रही चैट, और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि श्रद्धा के मोबाइल का मिलना कितना जरूरी है।